तो डॉक्टर में मना कर रखा है, फिर भी मैं बैम्बू केज, इसमें बैम्बू का बनाते हैं केज और इसमें चारा रखते हैं गैया लोगों का। इसका नाम क्या होना चाहिए? जैसे महावीर जी मर गए तो कोई बच्चा को महावीर रखिए ताकि उसका कमी नहीं खा ले। कमी नहीं, दिख रहा है बढ़िया भाई, इतना सारा लेके बैठे हैं भाई। सबसे ज्यादा टेस्टी इसका पेड़ का होता था, छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन। वाओ, अरे इसमें तीन तीन बाली दिया है, तीनों सक्सेस होगा भाई। नींबू भी फर रहा है, अब निकल रहा है, वैसे भी सीजन। मोटरसाइकिल से आए थे हम लोग खेत घूमने के लिए अपने, एक्चुअली घूमने आए थे, वो लेबर काम कर रहे थे, उसको पानी डाल देने के लिए आया था। एक्चुअली इधर का जो हम लोगों का खेत में जो पंप है वो भी फिलहाल वर्किंग में नहीं है, इसलिए पानी लेकर के आना पड़ा कि वो लोग पानी पिए, क्योंकि धूप बहुत तेज है। और ये खेत के साइड से हम लोगों के लिए रास्ता है, सारे गांव के लोग इसी से ट्रैवल करते हैं, अपने खेत तक पहुंचते हैं, ट्रैक्टर तक आता है इससे, सब कुछ आता है। और यहाँ पे एक्चुअली नदी है, नदी तो सूख गया ना, इसलिए नदी में लोग खेती कर रहे हैं। और यहाँ पे रोकना ना, ये पेड़ देखो यहाँ पे, थोड़ा सा प्रणाम वगैरह भी कर ले भाई। आजा छोटू। गाइस ये पेड़ अप्रॉक्स 100 ईयर पहले का है, 100 साल तो हो ही गया होगा भाई। और इसके बहुत सारे स्टोरी है, ये बरगद का पेड़ है, ऐसा ऐसा स्टोरी है कि पहले ऊपर से गिराते थे कुछ, पता नहीं मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी पूजा होता है, हमारे गांव के लोग आकर के यहाँ पूजा करते हैं। शायद कब होता है इसका पूजा? दुर्गा पूजा का आसपास, अच्छा उस सब सप्तमी के दिन ना। यस यस, और जटहू बाबा के नाम से फेमस है ये ट्री। जय हो जटहू बाबा। ये नदी पहले इतना ज़्यादा होता था कि वो सामा चकेवा, हाँ सामा चकेवा भी हम लोग आते थे यहाँ पे बसाने के लिए, उसको याद है? बम्बू बम्बू ट्री कहाँ है यार, कुछ दिख नहीं रहा भैया। मक्के का खेत है ये, डिफरेंट डिफरेंट कहना हो गए आज रे, बाद में रुपा हुआ ना। अच्छा तो हम लोग भाई चल रहे हैं खेत के अंदर से, रास्ता कहाँ से आएगा भाई? वाओ, अरे इसमें तीन तीन बाली दिया है, तीनों सक्सेस होगा? दो सक्सेस होगा, दो होगा, एक बहुत करेगा। समस्तीपुर जो है ना, मतलब दूसरा तीसरा कहाँ जाता है, मकई उपजाने में? हाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में तो मकई बहुत ज्यादा उपजता है। हाँ कटिहार हो गया, सत्यनाशी हो गया भाई। नींबू भी फर रहा है, अब निकल रहा है, वैसे भी सीजन तो नहीं है फ्लावर का, है ना? राजमा 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 राजमा, इतना मर कहा गया रे तुम्हारा, मरा मरा सा लग रहा है राजमा। पानी नहीं भाई, एक पका हुआ मिला, तुम लोग भी खा गए? लो लो, और मिला, और मिला मुझे बहुत सारा है ना। ना भाई मिट्टी लगा हुआ है सब में, देखो अच्छी। इधर वो गाय भी आती है, नील गाय। ये मिला भाई, ट्रैक्टर भी आ गया, जुतवाई ले खेत भाई। ये बैम्बू ट्री कितना सारा है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑफकोर्स होते हैं, एवरीवन नो, बट हमारे एरिया में दो टाइप के बेसिकली होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चाब? ये चाब बोलते हैं, और इसको हरोट।
अरे अपना पेड़ सब कहाँ गया मैंगो वाला, इतना कम कैसे हो गया, इतना कम कैसे हो गया ये पेड़ सब। गाइस हमारा मैंगो ट्री का यहाँ पे पेड़ था कभी है, बहुत कम है लेकिन छोटू कहीं कटवाया क्या भाई। सबसे ज्यादा टेस्टी इसका पेड़ का होता था, छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन। ओहो क्या टेस्ट, कहाँ लगाए हो तुम, सब खर्च बर्बाद कर दिए भाई। एक ही पेड़ में आया फूल अभी भाई, ये तो नया वाला था मालदा वाला ना, ये नया वाला था, ये तो मैं छोटा में देखा था इसको, इतना बड़ा हो गया। बरहर है, अब बरहर के साइड वाला आम जो ये देख रहे हैं हर साल खड़ता। कौन सा? बरहर के साइड वाला। वो तो भाई उसका पेड़ पे चढ़ के जो खाने का मजा था उसका अलग ही टेस्ट है, बट इसका बहुत ही बहुत ज़्यादा फरता भी है ना। एक गुच्छे में 10-12 रहते हैं मैंगो। मैं बैम्बू केज, इसमें बैम्बू का बनाते हैं केज और इसमें चारा रखते हैं गैया लोगों का लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें रहते हैं। जिस टाइम में लोगों का चारा ख़त्म हो जाता है उस टाइम इसका यूज करते हैं। तो गाइस ये हमारे पुराने दोस्त हैं, पुराने साथी कॉलेज टाइम के, मेरे से सीनियर थे ना आप। हाँ आगे कुछ बोलिए। तो बड़ी अच्छा लगता है मिल करके पुराने पुराने लोगों से, आपसे बहुत टाइम बाद मिले हैं ना। ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन होते रहता है बट इस तरह से कंधे पे हाथ रख के पुरानी यादें। पहले के लोग रहे ओकर नाम वही टाइप से, पहले के आदमी के पुराना टाइप का नाम नाम रहे। हाँ। अभी के आयुष पीयूष लंद पंतनिया वर्ग पहले के की है महावीर बिंदेश्वर वो चीज के लोग भूल रहे पुराने। हमरा ही सोच है विरासत को बोल रहे हैं नया बच्चा में भी इस तरह के नाम रखा जाए कि किसी का नाम क्या रखा जाए, जैसे इसका नाम क्या होना चाहिए, जैसे महावीर जी मर गए तो कोई बच्चा को महावीर रखिए ताकि उसका कमी नहीं खा ले, लोग को लगे जो महावीर है कि ये बात सही है। आप ये सोच रहे हैं कि आपके इस बात बोलने से मेरे को ये आ रहा है कि पहले महावीर और पुराने चीजें होती थी, अभी पीयूष आयुष छोटा छोटा नाम रहा, आगे वाला जनरेशन क्या होने वाला है आगे, अब इस तरह से मतलब शॉर्ट होता जा रहा है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसे नाम पड़ेगा क्या हो जाएगा पता। ये सही है इस टाइप का और भी आता है दिमाग में, लेकिन इसको क्या बोलते हैं गोईठा ना, गाय के डक से तैयार होता है, गोबर से तैयार होता है, और ये हमारे पुराना घर है और ये नया घर अभी भी पुराना होने चला है। कितना दूर है पास में? थोड़ा दूर और 4 किलोमीटर और है। 4 किलोमीटर भाई हम लोग जा रहे हैं अभी फूल का पौधा लाने के लिए, सीजन तो है नहीं बट सीजनल फूल हम लोगों के पास है नहीं, अभी सब उड़ाने वाले हैं, मतलब अपने अपने सीजन में होने वाले हैं, अभी सीजन में जो फूल होना चाहिए वो नहीं है, तो जा रहे हैं लाने के लिए। अरे कौन रोड तुम पकड़ लिया है भाई, चारों तरफ खेते खेत है, शॉर्टकट कि पुस्तकालय है मेरे नहीं पंचायत भवन हुआ, जो पंचायत भवन है पुस्तकालय भी यहाँ पे है ना पीछे उस तरफ है ना। हाँ ये मंदिर हो गया, ये तो हम जानते हैं भाई, आते हैं दुर्गा पूजा में इधर ना, और साइड में पोखर है अपना, उजियारपुर जो गेस्ट हाउस था उसको क्या होटल बना दिया, ये पर्पल कलर लेना चाहिए, एक ले लेते हैं ना। हाँ पर्पल आना चाहिए भाई अपने पास, अरे लतेदार पर्पल भी नहीं, ब्लू है पर्पल तो ये है ना। अच्छा प्लास का इतना बड़ा, प्लास में व्हाइट भी आता है ना,
प्लास है अपने पास छोटा पैदा प्लास आपको अपने पहाड़ी इलाका मिलता है ना, जरूरी थोड़ी है, बहुत मिलता भाई। लेके जाएगा इसको बाइक से आए हो, बोल रहे थे ले लो चार चक्का तो बेटा इसको टांग दीजिए चल जाएगा भाई। इतना सारा लेके बैठे हैं मुन्ना भाई, तेरे वाला तो पीछे बैठा गया पीछे है। 40 वाला था ना, 40 वाला है, 45 का हो गया, 45 है कर 45 है। अच्छा 45 लिखा हुआ भी है, 40 लिखा हुआ है लेकिन 5 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं ठंडा करने का। हाँ तो और क्या, ये हुआ ना गांव वाला से लिखा रहा है। 5 रुपया वापस करो, कोल्ड ड्रिंक ले लिए, 5 रुपया तो ग्लास की जरूरत नहीं। आ जा, हाँ लेके आ जाओ चेंज। गाइस चंद्रशेखर भाई है, उसका गेहूँ है, ये बहुत बढ़िया गेहूँ रखा है भाई। इसे सूख रहा है क्या है भाई, इसमें पानी एको पड़ा है। अच्छा ये रेडी हो चुका है काटने के लिए, 15 दिन में रेडी हो जाएगा। अच्छा काट दो, काट दो भाई, पहले होली के टाइम ही कट जा रहा है, कट रहे ना अपना लेट चल रहा है। एकड़ गेहूँ मैंने किया भाई, अगले बगल में क्या कर चाहिए, दूसरे किसी तोड़े चाहिए दूसरे। गाइस जी अलसी का पेड़ है, इसमें फल आ रखे हैं, है ना, बहुत टेस्टी होता है। आप लोग अलसी के नाम से जानते हैं और हम लोग इसे तीसी बोलते हैं गांव में, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में, किसी भी सब्जी में डाल के खा लो या फिर इसका रोटी में भी डाल के बनता है गेहूं में ना।